इसलिए आप साथियों को यहाँ बुलाया गया है कि जो शहर में बारिश हुई है, बहुत ही भयंकर बारिश हुई है। लगभग 32 साल के बाद ऐसी बारिश शहर में हुई। जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन अपना काम बखूबी बड़ी मेहनत के साथ कर रहा है। जो हमारे नाले हैं शहर के, उनको डिसिल्टिंग करने का, सफाई का काम हम लगभग फरवरी महीने से स्टार्ट करते हैं, जो जून जुलाई अगस्त तक चलता रहता है। इस बार भी वो काम बड़े जोर शोर से किया गया। पहले हमारा ट्रांसपोर्ट विंग एक ही होता था, उसको दो भागों में बांट दिया, एक कभी पार्क का एरिया गांधीनगर का, एक इधर का एरिया, उसके दो डिवीजन करके हमने उस काम को बांटा, ताकि बढ़िया से बढ़िया काम हो। और काम अच्छा भी किया है, बेड हमने नालों के निकाले, लेकिन बारिश इतनी भयंकर हुई है, उस बारिश के कारण नाले जितने बने हुए हैं वो जितना कैटर कर सकते हैं पानी उतना उन्होंने कैटर किया। कई जगह में और भी कोई दिक्कत आई है, यहाँ नाले कवर्ड हुए हैं, वो भी हमें कंप्लेन मिली। जैसे नानगर का एरिया है या कोई और हमारी पुरानी कलवर्ट्स बनी हुई है मेन स्टाफ में, लास्ट मोड़ गांधीनगर में, जयजीवन नगर में, तो ये सब काम को लोगों के जो सुझाव हमें आए हैं ऑन स्पॉट हम लोगों ने जाके देखा है। मैं स्वयं बारिश में ही, मेरे साथ हमारे ऑनरेबल मेंबर पार्लियामेंट जुगेश्वर शर्मा जी, नानगर का क्षेत्र, बाकी सारे क्षेत्र में हम लोग गए, और जहाँ पानी आया था, बाढ़ आई थी, उस घर घर जाके, जहाँ लोगों की चारदीवारी भी टूटी हुई थी, सब लोगों का यही सुझाव आया है वो नाला कवर किया गया है, उस नाले को तोड़कर उस नाले को ओपन करेंगे, और जहाँ जहाँ नाले ओपन है वहाँ कम पानी आया है। पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट के जो एक्शन साहब हैं उनको वहाँ बुलाया गया, राजन जी को, जो कलवर्ट्स हमारी पुरानी 30-40 साल से बनी है, काफ़ी डोन हो गई है, रोड ऊंचा हो गया है, पानी काफ़ी बढ़ गया है, उनको भी कलवर्ट को भी हम ठीक करने का प्रयास करेंगे। इसी तरह कल हम सब लोग, मैं और मेरे साथ ऑनरेबल डिप्टी मेयर, हम चेयरमैन माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब मनोज सिन्हा से मिले थे, और जम्मू शहर के लिए जो ये जो हमारे ड्रेनेज सिस्टम है, जो नाले चढ़ जाते हैं, पानी लोगों के घरों में चला जाता है, उसके लिए हमने पहली बात रखी थी। गवर्नर साहब ने हमें पूरा विश्वास दिलाया है कि इसकी आप DPR तैयार करिए, ड्रेनेज सिस्टम के लिए जल्द से जल्द जो फंड हैं वो रिलीज किए जाएंगे। मैंने तो उनको कहा था कि जब तक 1,000 करोड़ रुपये हमारे पास आए तब हम जम्मू शहर के नालों को ठीक ढंग से चला सकते हैं। हम इसकी DPR कंसेंट्रेट हायर करके इमीडिएट अब DPR बनाएंगे, और जल्द से जल्द सरकार से पैसा लेके, ताकि आने वाली बरसात में लोगों के घरों में पानी ना जाए, उसका प्रयास करेंगे। हमारी सबसे अगर कोई पहली प्रायोरिटी है जम्मू शहर की, बाकी सब काम चल रहे हैं, लेकिन ड्रेनेज सिस्टम को, जब से ये शहर बना है ये शहर की अर्बन प्लानिंग नहीं हुई है, ड्रेनेज सिस्टम का कोई DPR नहीं तैयार हुई है, इसके अलावा और भी जो नाले हैं उनकी भी DPR नहीं तैयारी हुई, जो नाले तभी में जा रहे हैं उनकी हमने DPR बनाई है लगभग 40-45 करोड़ रुपये की, तो उसका काम आगे वो चलेगा। इसी तरह मेन फोकस आज मीडिया के माध्यम से यही जम्मू वासियों को हम विश्वास दिलाते हैं कि जैसे ही हमारी DPR बनेगी और पक्का जब सरकार से पैसा आ जाएगा, उस काम को हम बखूबी करेंगे और अगली बरसात तक प्रयास करेंगे कि लोगों के घरों में पानी ना जाए। लेकिन तब तक जहाँ जहाँ हम इंक्रोचमेंट है, जहाँ जहाँ लोगों के घरों में पानी जा रहा है, जहाँ कोई नाला कवर्ड है उसको तोड़ के राहत मिल सकती है, या नाले ब्लॉक होते हैं, कोई पानी की पाइप है, या कोई जियो की कोई पाइप है और कोई टेलीफोन की पाइप है, जहाँ जहाँ कोई उस चीज़ को रिमूव करना होगा उसका काम हम करेंगे बखूबी करेंगे। और दूसरा हमने उनसे ये कहा है कि जो JDA डिपार्टमेंट है, JDA डिपार्टमेंट जम्मू शहर में म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में सारी ज़मीन JDA को दे दी है, JDA कॉलोनियाँ बनाता है, JDA फ्लैट्स बनाता है, JDA मार्केटें बनाता है, लेकिन उसकी सफाई नहीं करता। जब मैं अगर ट्रांसपोर्ट नगर की एग्जाम्पल दूँ, वहाँ पर जम्मू हमारे UT के 10-20 डिस्ट्रिक्ट के लोग आते हैं, सब्जी मंडी में 20 डिस्ट्रिक्ट, वो क्या प्रश्न लेके जाते हैं, वो भी हमने कहा है कि जो ऐसी मार्केटें हैं उसकी लाइबिलिटी एंड असेस्ट हमें दे दें, जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन को ट्रांसफ़र कर दें, ताकि उसकी हम सफाई भी कराएं, उसका सिस्टम भी ठीक करें, ये भी हमने गवर्नर साहब से कहा है। और गवर्नर साहब से ये भी कहा है कि हमारी कुछ कमेटीज़ हैं, हाउसिंग फॉर ऑल, और जो पहली बार बनी है पूरे देश में, आज हाउसिंग फॉर ऑल का काम हो रहा है, स्किल डेवलपमेंट एंड अपग्रेडेशन, उसमें हाउसिंग फॉर ऑल में बहुत सी दिक्कत आ रही है। जो हमारे बाईलाज हैं कि 10 फुट की जो नीचे वाली गली है वहाँ बिल्डिंग परमिशन नहीं देते, लेकिन जो हाउसिंग फॉर ऑल के लिए प्राइम मिनिस्टर इसके लिए पैसा ले रहा है उसका नक्शा नहीं पास होता। कोई वो जो गरीब भाई बहन है हमारा, उसकी गली 2 फुट 4 फुट 6 फुट है, ये भी उनसे प्रार्थना की है कि बाईलाज से छोड़ दी जाए, जो भी हाउसिंग फॉर ऑल के लिए कोई अगर पैसा लेने की कोशिश करे, वो सी फाइलें हमारे पास पेंडिंग पड़ी हैं 7 फुट 8 फुट 9 फुट वाली, हम होश में भी इसको रखे, इसकी परमिशन लेने की होश से प्रयास करेंगे।
और आने वाले समय में, ताकि हौसिंग फॉर ऑल जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का एक सपना है, हर घर के किसी भी के पास कच्ची छत ना हो, पक्की छत हो, उसकी तरफ जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन या अर्बन एरिया भी हमारा आम लोग बढ़ सकें, इसके लिए भी हमने कल गवर्नर साहब से गुहार लगाई है। तीसरा काम हमने जो हम लोग जब मूव करते हैं गलियों में नालों में, जैसे लड़ाइयाँ हो जाती हैं, कुछ हो जाता है, कहीं ना कहीं ऐसे ऐसे लोग भी होते हैं अपने साथी, वो इमीडिएट उस झगड़े के लिए कम से कम एक एक PSO जो हमारे ऑनरेबल कॉर्पोरेटर हैं उनको एक एक PSO मिलना चाहिए। उसके लिए बार बार हम बात कर रहे हैं, गवर्नर साहब ने हमें यकीन दिलाया है कि उसके लिए भी मैं पूरा प्रयास करूँगा। और शहर के अंदर जो हमारे पास स्टाफ की कमी है, उसके लिए रीऑर्गनाइजेशन के लिए हमने पहले भी फाइल भेजी हुई है, पहले भी वो काम चला है, उसके लिए भी कहा है। अगर मैं उसकी बात करूं कि अगर हमारे पास टोटल स्ट्रेंथ जो है 2437 है, उसमें हमारे पास अभी जो एग्जिस्टिंग है 1388 लोग काम कर रहे हैं, 1049 पोस्ट हमारी खाली पड़ी हुई है। हमने कहा कि हम कैसे अपना सारा काम चला सकते हैं, आधे लोग हमारे पास है नहीं है, उसके लिए भी रीऑर्गनाइजेशन जल्दी जल्दी से हो, ताकि जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन कोई ना कोई प्रयास करके उन पोस्टों को भर सके और हमारा काम जम्मू शहर का, जो जम्मू शहर है स्मार्ट सिटी की तरफ बढ़ रहा है, जो जम्मू शहर आज एक एजुकेशन हब है, जम्मू शहर जो है आज मेडिकल हब है, जम्मू शहर आज मंदरू का शहर है, जम्मू शहर आप जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे वो एम्स की बात करूँ, IIT की बात करूँ, IIM की बात करूँ, केंद्रीय यूनिवर्सिटी की बात करूँ, संस्कृत यूनिवर्सिटी की बात करूँ, पुरानी यूनिवर्सिटी की बात करूँ, आज जम्मू शहर इतना बढ़ रहा है, बड़े बड़े हॉस्पिटल जम्मू शहर में आ रहे हैं और बड़ी बड़ी इंडस्ट्री आ रही है, और सारा उसका लोड जहाँ पर है, जितनी माइग्रेशन होती है जम्मू कश्मीर से या बाहर से, वो भी जम्मू शहर को, शहर की तरफ आती है। मैंने हमने यही उनसे मतलब प्रार्थना की है, अगर इस शहर को, और ये गेटवे ऑफ जम्मू कश्मीर UT है, इसको अगर वैष्णो देवी के यहाँ कितने यात्रु आते हैं, यहाँ अमरनाथ यात्रा के लिए कितने यात्रु आते हैं, यहाँ और बड़े बड़े जहाँ पर श्राइन्स हैं, मेघाली साहब की बात करूँ, शाहदारा शरीफ की बात करूँ, या और भी उसके लिए जो बेस कैंप है बुढ़ा मन, वो जम्मू ही है। जम्मू से ही, जम्मू हिंदुस्तान का जो भी कोई आएगा जम्मू से इंप्रेशन लेके जाता है। जम्मू शहर आज स्मार्ट सिटी की तरफ बढ़ रहा है, भले ही बहुत से साइनिंग्स लगे हैं और काम स्मार्ट सिटी के हो रहे हैं। आज जम्मू शहर में आने वाले समय में स्मार्ट सिटी के और भी 400-500 करोड़ के टेंडर लगने जा रहे हैं। तवी रिवर फ्रंट भी हमारा 75 करोड़, उसके लिए भी मुझे लगता है सेंक्शन कर रहे हैं। आर्टिफिशियल लेक भी आगे बढ़ेंगे, गंडोला एक फेज चल रहा है, दूसरा फेज मुझे आइडिया है कि इसी हफ्ते चलेगा। जम्मू जू पे काम चल रहा है, मुबारक मंडी पे काम चल रहा है, श्रीनगर बॉर्डर के लिए कितने में काम गिना सकता हूँ, सुरुईसर मानसर के लिए, हमारे प्रमंडल उत्तरवैनी के लिए, हमारे इंटरनेशनल योगा सेंटर जो मानतराय में बन रहा है, 4 लेन बन रहा है, पार्किंग हमारी जो बस स्टैंड वाली बन गई मल्टी कार, आज जम्मू शहर आगे बढ़ रहा है। और भी इसके ऊपर बहुत सा हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी और अमित शाह जी जो हमारे होम मिनिस्टर हैं, जिनके अंडर हमारी यूटी है, वो जम्मू कश्मीर यूटी को, एक दोनों शहरों को एक अच्छा शहर, बढ़िया शहर बनाना चाहते हैं, उसकी तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। मेरा यही मीडिया के माध्यम से है, लेकिन मेरा हमारा आज का जो मेन फोकस है, हम जम्मू शहर के जो नाले हैं, जो जम्मू शहर के हमारे जम्मूवासी परेशान रहे, तौर पर हमें, मुझे आशा है कि गवर्नर साहब ने जो हमें कल यकीन दिलवाया है, उसमें हमें आने वाले समय में पैसा आएगा, हम जम्मू वासियों को ये जो पानी लोगों के घरों में जाता है उसमें राहत दे पाएंगे। और सबसे बड़ी मुबारकबाद हम अपने माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब की ये करना चाहते हैं, हमारा एक सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का जो प्रोजेक्ट है, जो कोट भलवाल में लगना है, 100 करोड़ का वो प्रोजेक्ट है। पिछले 15 साल से, जब पहले कॉरपोरेशन बनी थी 2005 में, तब से हम इसका प्रयास कर रहे हैं और वो काम शुरू हो गया है। एलजी साहब ने ऑनलाइन उसकी इनॉग्रेशन कर दी है पिछले हफ्ते ही, उसका आने वाले समय में काम शुरू होगा। नेफेड करके एक एजेंसी है सेंट्रल गवर्नमेंट की, 80 करोड़ रुपया वो लगा रही है, 20 करोड़ हमारी JNK गवर्नमेंट लगा रही है। तो आने वाले समय में 350 मीट्रिक टन जो गार्बेज शहर का होगा, कूड़ा होगा, वो वहाँ प्रोसेस होगा, उसे CNG गैस बनेगी और अलग अलग तरह की खाद बनेगी, कुछ केमिकल्स बनेंगे, ताकि जम्मू वासियों को, जम्मू शहर को ये राहत मिलेगी। एक बात उन्होंने और कही है, जो सिंगल यूज प्लास्टिक है, जिसके कारण जो नाले चौक होते हैं, जो हमारी ड्रेन चौक होती हैं, उसके ऊपर उन्होंने बोला कि एक स्पेशल ड्राइव 15 दिन की आप इसके ऊपर लीजिए, ताकि इस चीज़ से भी जम्मू शहर को प्लास्टिक मुक्त करना है, उसके ऊपर भी काम करना है। हमारे साथ हमारे डिप्टी मेयर ऑनरेबल पूर्णा जी, हमारे स्वच्छ भारत के चेयरमैन, हमारे सोशल जस्टिस कमेटी के चेयरमैन कुलदीप जी, सुरेंद्र चौधरी जी यहाँ आए हुए हैं। मैं यही मीडिया के माध्यम से जम्मू वासियों को विश्वास लाता हूँ
जिस तरह आपने हमें मौका दिया काम करने का और संगठन ने हमें यहाँ काम करने का मौका दिया, हम सब लोग टीम की तरह लगे हुए हैं और जम्मू शहर को किस तरह राहत मिले डेवलपमेंट के अंदर उस तरफ हम काम कर रहे हैं। भले ही वो आज कॉरपोरेशन 100 करोड़ का काम कर रही है, गलियों का, ड्रेनेज सिस्टम का, अपना लेन्स एंड ड्रेन्स का, और भी बहुत से काम हमारे शहर में चल रहे हैं, चाहे वो शमशान घाट के काम हो, चाहे कोई और काम हो। इसी तरह पीडब्ल्यूडी विभाग हमारा जम्मू शहर में 100 करोड़ की ब्लैक टॉपिंग का काम कर रहा है, अलग अलग डिपार्टमेंट हमारे जम्मू शहर में काम कर रहे हैं। तो आने वाले समय में जो कमियां रह गई हैं शहर की, उनको हम कैसे अच्छा कर सकें, उसके ऊपर हम सब टीम की भांति काम कर रहे हैं। आने वाले समय में इस काम को गति को और कैसे तेज दें, तब हम कल गवर्नर साहब से गुहार लगा के जो जो बातें गवर्नर साहब ने खुल के हमारे सामने की हैं, उनसे ये भी प्रार्थना की है कि आप आइए हमारे हाउस में, आइए हाउस में आके ऑनरेबल सब कॉर्पोरेटरों के साथ एक बार बैठ के सारे ऑनरेबल कॉर्पोरेटर आपसे बातचीत कर सकें। जो जो तकलीफें हैं जम्मू शहर में, हमारा जो चुना हुआ निमाइंदा है वो भली भांति जानता है। तो इसलिए गवर्नर साहब ने ये भी एग्रीमेंट किया है और मुझे आशा है कि आने वाले इसी अगस्त मंथ में कोई ना कोई टाइम दे के हमारे हाउस में आएंगे, हम सब की बात सुनेंगे और जो जो डिमांड सामने रखी हैं उसके ऊपर वो हमें राहत देने का काम करेंगे। बहुत बहुत वार्ड के अंदर सफाई नहीं हो रही पूरे तरीके से, क्या स्टाफ की कमी है, किस वजह से जो साफ सफाई पूरे तरीके से नहीं हो पा रही है? जब से हम लोग आए हैं 2.5 साल हो गए हैं, हमने लगभग 200 ऑटो आज काम कर रहे हैं घर में, गार्बेज को भगा दिया है, गार्बेज नजर नहीं आता है, लेकिन फिर भी कुछ क्षेत्र हैं, कमी तो है। हमने 600 सफाई कर्मचारियों को भर्ती करना है, उसका प्रोसेस कारणवश लेट हो गया, यहाँ स्टाफ को ट्रांसफर हो जाता है कोई ना कोई, तो बहुत जल्द इसी महीने में उसका काम हम शुरू कर रहे हैं। जैसे ही 600 सफाई कर्मचारी, सफाई साथी हमारे साथ और जुड़ेंगे जम्मू शहर में, तो सफाई का काम और बेहतर होगा। दूसरा, जो गांधीनगर का क्षेत्र है हमारा तवी पार्क का, उसको हम आउटसोर्स कर रहे हैं, वो भी उसका भी उसका टेंडर हो गया, एलिमेंट हो गया है, वो भी लगभग बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, वो भी आने वाले समय में उसके तहत भी हम बंधु रख जो है हमारा वहाँ एक सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का प्रोजेक्ट लगाएंगे। और पूरी जो गांधीनगर का क्षेत्र है, जितने भी 26-27 वार्ड हैं, वहाँ पर स्वीपिंग हम लोग करेंगे, कॉर्पोरेशन करेगी, डिसिल्टिंग जो होगी वो सारी वही कंपनी करेगी, कलेक्शन वही कंपनी करेगी, ट्रांसपोर्टेशन वही कंपनी करेगी, और जो रेवेन्यू कलेक्शन है वही कंपनी करेगी, सारा सामान उनका होगा, मैनर मशीनरी। और आने वाले समय में जो वहाँ से जो हमारे मशीनरी बचेगी, मैनर मशीनरी, उसको हम ओल्ड सिटी की तरफ लगाएंगे, ये क्षेत्र भी हमारा अच्छा हो जाएगा, वो भी अच्छा होगा। आने वाले समय में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पे मैं बात करूं, या स्वच्छ भारत पे बात करूं, या सोशल वेलफेयर की बात करूं, जो हमारे पास कुछ डिपार्टमेंट आ गए हैं उधर भी हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। लगभग 1000 विडो पेंशन इसी हमारे ऑनरेबल चेयरमैन साहब हैं, उन्होंने लगाई है, और भी प्रयास कर रहे हैं, सरकार भी प्रयास कर रही है, घर घर जाके अब ढूंढ रहे हैं कोई हमारा सीनियर सिटीजन या कोई हमारा आदमी रह ना जाए, अब डिपार्टमेंट जा रहा है, अब उनके पास कोई पेंडेस्ट्री नहीं है, कारणवश कोई अगर होगी तो उसके कोई कागजों की कमी होगी, तो आने वाले समय में उसको भी हर व्यक्ति जो 55 से ऊपर वाला है उसको गवर्नमेंट की तरफ से जो पेंशन मिलनी है वो मिले, हैंडीकैप को पेंशन मिले, और जो हमारी विडोज रहेगी उनको पेंशन मिले, गवर्नमेंट की पूरी स्कीम जो है वो जम्मू शहर में इम्प्लीमेंट हो। हम सब मिलकर, विशेषकर जो हम चेयरमैन हैं, 2 कमेटीज का मैं चेयरमैन हूँ, 2 कमेटी के हमारे ड्यूटी मेयर चेयरमैन हैं, 3 हमारे दूसरे चेयरमैन हैं, अपनी अपनी कमेटी का बाखूबी काम कर रहे हैं, लोगों को हम राह दे सकें, उसकी तरफ जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन आज बढ़ रहा है। धन्यवाद। सर, आप जम्मू को स्मार्ट सिटी बनाने की बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं चंद घंटे की बारिश से जम्मू के रोडों में पानी की समय आते हैं, नालों में पानी आता है, घरों लोगों के घरों तक पानी जाए, ये मानते हैं जिम्मेवारी की बात नहीं है, कमियां हैं। पिछले 72 सालों में जब से हम लोग आजाद हुए हैं, 73 साल हो गए, जम्मू कश्मीर ही एक ऐसी स्टेट थी या जो यूटी है जहाँ 4 बार लोकल बॉडी के चुनाव हुए हैं, लेकिन बाकी देश की बात करूँ तो वहाँ 14 चुनाव हुए हैं। जहाँ 14 चुनाव हुए हैं वहाँ के रिजल्ट कुछ आएंगे, जहाँ 4 चुनाव हैं वहाँ के रिजल्ट कुछ आएंगे। 73-74 अमेंडमेंट की बात करूँ तो वो पूरे देश में 2.5 साल पहले लग चुके थे। जम्मू कश्मीर में हमने आने के बाद प्रयास किया है, बहुत मेहनत करके, गवर्नर साहब से बात करके, बार बार बात करके, आज वो अमेंडमेंट यहाँ लागू हुई है, उसके कारण बहुत से डिपार्टमेंट जम्मू कश्मीर के हमारे पास कॉर्पोरेशन में आए हैं, चाहे PHE की बात करूँ, चाहे अर्बन फॉरेस्ट्री की बात करूं, चाहे हेल्थ के कुछ सब सेंटर आए हैं, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट आया है, और बहुत से डिपार्टमेंट आने वाले समय में हमारे पास आएंगे जम्मू म्यूनसिपल, क्योंकि शहर की जो तकलीफें हैं वो हमारे ऑनरेबल कॉर्पोरेट के चुने हुए नुमाइंदे जानते हैं, और इसलिए वो गली गली से लोगों से डायरेक्ट उनका रब्ता होता है, लोगों का उनके साथ होता है,
गली गली वो जानते हैं कि घर की उनको जानकारी होती है। इसी तरह आने वाले समय में हर दिन कोई ना कोई कमी को हम दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। जिस तरह हमने गवर्नर साहब से अपील की है मेन ड्रेनेज सिस्टम के लिए, नालों के लिए ही, मुझे आशा है कि जो पैसा हमने उनसे मांगा है वो हमें पैसा आएगा। हम आने वाली बरसात जो होगी अगले साल की, उसके लिए पूरा प्रयास कर रहे हैं कि जम्मू शहर में बिजली की और पानी की कमी ना हो और ड्रेनेज सिस्टम हमारा ठीक हो, लोगों के घरों में पानी ना जाए, लोगों को हम राहत दे सकें। आने वाले समय में जम्मू शहर हमारा जो है पूरे हिंदुस्तान के वो नक्शे पे एक नंबर पे हो। जिस तरह मैंने कहा ये गेट वे ऑफ जम्मू एंड कश्मीर जुटी है शहर को, उस तरह हम धीरे धीरे अच्छी तरह ले जाएंगे।